चले बेटा, अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 आवर अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं, फिर आधे घंटे रेडियो एक्टिविटी की प्रैक्टिस, ठीक है। 1 आवर अभी आपका पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो लिखिएगा, हम लोग का ये जो है आखिरी चैप्टर है, सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस। हाँ बेटा, एक काम करोगी, इसको लगा दोगी भैया, बात नहीं है, शांत हो जाए प्लीज। इसका लाइट नहीं जल रही, हो गया तेरा बट। चलिए बेटा, सबसे पहले अपना बकवास बंद करो और शांत रह लो। चलिए हम लोग बेटा सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस, अरे हो गया बकवास, पढ़ा ले। देखिए सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, पहले मैं बता दूं बेटा कि ये चैप्टर ऐसा है, स्टार्टिंग में आसान लगेगा, धीरे धीरे आपको थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आएगी, लेकिन जो बच्चा स्टार्टिंग से अगर पढ़ता गया उसे आसान लगेगा कि हाँ सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। यानी सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस का हर टॉपिक इंटरकनेक्टेड है। एक दिन की क्लास मिस हुई बस ख़त्म कहानी, फिर आपको आगे का समझ ही नहीं आया कि क्या चल रहा है। इसमें तो बहुत ज़रूरी है कि हर पॉइंट को ध्यान से समझा जाए, घर पर जाके उसको दोबारा से रिवाइज किया जाए, तो अगले दिन की क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। सब इंटरकनेक्टेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो देखिए सेमीकंडक्टर, पहले हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे जो बनता है डिवाइसेस वो पढ़ेंगे, और उसके बाद चैप्टर समाप्त, क्योंकि गेट इसी में है, डोंट वरी, परेशान मत होइए कि लॉजिक गेट नहीं पढ़ाएंगे। क्या सर, पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, वो इसी से रिलेटेड है। अब पहली बात सुनेगा बेटा, सेमीकंडक्टर नाम से क्लियर है, सेमीकंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर होगा और आधा इंसुलेटर होगा। तो बेसिकली क्या होता है, एवरीबॉडी नोज दैट कि कंडक्टर जो होता है वह मटेरियल होता है विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। एट दिस टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उसका रेजिस्टेंस लो होता है। यानी हम कहते हैं कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है और उसकी रेजिस्टिविटी लो होती है। इंसुलेटर किसे बोलते हैं, तो वह सब्सटेंस जिससे कि करंट पास ना हो सके, एट दिस टेम्परेचर करंट पास ही नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे करंट पास ही नहीं होगा, उसमें क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं। करंट तभी फ्लो होता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तभी करंट फ्लो होगा ना। कंडक्टर से करंट क्यों फ्लो होता है बेटा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर से करंट क्यों नहीं फ्लो होता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो करंट नहीं फ्लो हो पाता है। इसलिए हम कहते हैं इंसुलेटर की कंडक्टिविटी हाई होती है, सॉरी लो होती है, वेरी लो, एंड रेजिस्टिविटी हाई होती है। बोलो क्लियर। तो रुकिएगा ध्यान से बेटा, जैसे अगर मैं बोलूं कंडक्टर, तो आप बोलते हैं कंडक्टर जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, है ना। देखिएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। फिर बेटा कंडक्टिविटी हाई होती है एंड रेजिस्टिविटी लो होती है, बहुत सही, कंडक्टिविटी हाई एंड रेजिस्टिविटी इज लो, रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है, बहुत ध्यान से सुनना, रेजिस्टिविटी लो होती है, ठीक। सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं इंसुलेटर, तो कंडक्ट नहीं कर पाएगा करंट, इसमें करंट नहीं पास हो पाता है, क्यों, क्योंकि हाँ लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें करंट पास नहीं हो पाता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद बेटा इसकी कंडक्टिविटी इज़ वेरी लो,
कंडक्टिविटी इज वेरी लो, बहुत ज़्यादा लो होता है, इज़ वेरी लो, एंड रेस्टिविटी इज वेरी हाई, रेस्टिविटी इज वेरी हाई एंड रेस्टिविटी इज वेरी हाई। बहुत आराम से सुनिएगा, ये पहले तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है कंडक्टर और इंसुलेटर का, ये हम जानते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता बेटा, कि वो मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होगी लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होगा। वर्स मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर मतलब कंडक्टर की तरह करंट नहीं फ्लो करेगा, इंसुलेटर की तरह करंट जीरो भी नहीं होगा, बीच का करंट जाएगा, थोड़ा थोड़ा करंट जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि इन सेमी कंडक्टर, नाम से क्लियर है, सेमी मतलब बीच का मामला बनेगा। इसमें क्या होता है कि ना तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है ना ही लो होती है, बीच का होता है। रेस्टिविटी कंडक्टर की रेस्टिविटी से ज़्यादा इसकी रेस्टिविटी होती है सेमी कंडक्टर की, लेकिन इंसुलेटर से कम होती है। लिखिए पहले ये लिखिए तो फिर मिटाते हैं। शांत हो जा भाई, हो गया। मिटा दे, भाई सब व्यर्थ है। देखेगा बेटा, देखेगा बेटा, देखिए तो बेटा देखिए ध्यान से। सेमीकंडक्टर अब हम देख रहे हैं, सेमीकंडक्टर क्या है, सुनिए सुनिए। तो हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर वो सबस्टेंस है, वो मटेरियल है। आप लोग बातचीत करना बंद कर दिए वरना भगा दूंगा बिल्कुल सीधा यहाँ से। सुन लीजिए ध्यान से, देखिए तो वो मटेरियल जिसमें कि बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर में बिल्कुल भी नहीं, इसमें थोड़े से फ्री फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाउंड है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाउंड, फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाउंड। फिर सुनिएगा आराम से सुनिए, इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम रही, कंडक्टिविटी मतलब करंट अच्छा खासा कंडक्टर में जाता है, यानी कंडक्टिविटी हाई है, और इंसुलेटर में कंडक्टिविटी बहुत लो, इसकी कंडक्टिविटी बीच की रहेगी। मतलब इसकी कंडक्टिविटी को देखिएगा बेटा, देखिए कंडक्टिविटी को सिग्मा से दिखाते हैं, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी से ये क्या रहेगा, कम रहेगा, और सेमीकंडक्टर को एस सी और इंसुलेटर से बड़ा रहेगा। बोलो क्लियर। देखिए कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा, इंसुलेटर की बहुत कम, सेमीकंडक्टर बीच की रहेगी। फिर रेजिस्टिविटी बात करें तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर बहुत छोटा, उसके बाद सेमीकंडक्टर और उसके बाद इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी होती है। बोलो क्लियर। तो देखिए क्या हो रहा है कि इसमें बीच में लाई करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सेमीकंडक्टर। मतलब समझो बेटा, अगर मैं यहाँ पर अगर ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है और मैं इसको अगर बैटरी से सेल से कनेक्ट कर दूँ बेटा, तो यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर का बना है मटेरियल। और देखिए पहले सुनिए ध्यान से, पता नहीं लिखने आया है, हम बहुत बड़े टीपू हैं, हम आते हैं टीप लेते हैं, सुन लो भाई, कंसेप्ट नहीं क्लियर हो तो फ़ायदा क्या है। ये देखिए सेल हमने इसमें कनेक्ट करा, अगर ये कंडक्टर होता बहुत बढ़िया करंट जाता, रेजिस्टेंस वेरी लो, अगर ये इंसुलेटर होता करंट बिल्कुल नहीं जाता, रेजिस्टेंस बिकम वेरी हाई। सेमीकंडक्टर है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, यानी बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है बेटा फ्लो हो रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, ठीक है। और रेजिस्टेंस थोड़ा सा मिलेगा आपको,
है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, बीच का कुछ मामला बनेगा। इस तरह से ये सेमीकंडक्टर की पहचान है। बोलो क्लियर हुआ? हम लोग बेटा सेमीकंडक्टर डिफरेंट डिफरेंट्स देखते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। वो सब आगे की चीज़ है, मेटलर्जी वगैरह वो सब अलग पढ़ते हैं हम लोग आगे। हम लोग को सिर्फ यहाँ पे सेमीकंडक्टर जो है वो दो ही सेमीकंडक्टर की चर्चा होगी, एक होगी सिलिकन और एक होगी जर्मेनियम। यानी हम लोग सिलिकन एंड जर्मेनियम की बात करेंगे। सिलिकन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर्स, ये जो है इन्हीं की बात करेंगे हम लोग बेटा। और हम लोग बाकी जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी बात हम नहीं करेंगे, उसका नाम भी मेरे को नहीं पता है। बोलो क्लियर? क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ता है, तो हम उसकी बात क्यों करें। क्लियर हुआ? पहुंचिए, लिख लिया बेटा? मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अब यहां पर बेटा सेमीकंडक्टर को और अच्छे से समझना है अगर, तो यहां पर बेसिकली एनर्जी बैंड थ्योरी यहाँ पर समझा गया है। देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से। सेमीकंडक्टर हमने समझा, यहाँ तक तो समझा। अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर के बारे में और अच्छे से जानना है, बहुत अच्छी जानकारी इसमें रखनी है। तो इसमें क्या होता बेटा, एनर्जी बैंड थ्योरी समझाई गई है। एनर्जी बैंड थ्योरी के नज़र से देखें तो सेमीकंडक्टर को थोड़ा और अच्छे से समझने में मदद मिलती है। देखिए एनर्जी बैंड थ्योरी में क्या बताया गया है, बहुत ध्यान से सुनना। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या बताया गया है, बहुत आराम से सुनना। देखिए एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है। देखिए एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है बेटा, इसको समझिए। जैसे बेसिकली क्या होता है, इन्होंने जैसे आपने इसको सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, थोड़ी मदद आपको मिलेगी उससे। बेसिकली क्या होता, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, सब काम चल जाएगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर क्या होता बेटा, जैसे हम कोई भी सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं, है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो हम देखते हैं उसमें जो है एटम्स ऐसे करके सर्टेन दूरी पर अरेंज होता है, ऐसे करके सर्टेन दूरी पर अरेंज होता है और पूरा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। तो हम ऐसा पहले मान के चलते हैं कि ये सारे एटम इनफाइनाइट सेपरेशन पर हैं, ये चारों सब एक दूसरे से इनफाइनाइट दूरी पर हैं, इनफाइनाइट सेपरेशंस पर है, बिल्कुल अलग हैं, एक का दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब क्या होता है, ये एटम सब इनफाइनाइट दूरी पर होते हैं, किसी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं, तो ये एटम में न्यूक्लियस होता है और इसमें होता है एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स में सर्टेन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, अपना सब रूल फॉलो होता है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितने भी रूल है उसके अनुसार ये एटम है। अब यहाँ पर इसके ऑक्टेट ऑक्टेट पूरे नहीं थे, इसलिए इतना सारा रायता फैल रहा है कि ये बॉन्डिंग बनाता है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर बेटा ये एटम इनफाइनाइट सेपरेशन पर है, ये आइसोलेट है, किसी से दूसरे से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता बेटा, ये जैसे ये एनर्जी हम बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसमें जो हम एनर्जी बताते हैं उसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम करके सॉल्व करते हैं,
या अभी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो एटम में जितने भी चार्जेज है उन्हीं की वजह से सारी चीज़ें होंगी, जैसे न्यूक्लियस की वजह से भी, ये सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जोड़ जाड़ के इसकी टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। सब ऑर्बिट की अपनी एक सर्टेन डेफिनेट एनर्जी होती है। जैसे मैंने बोला सोडियम का क्रिस्टल है, तो सोडियम का क्रिस्टल है सोडियम एटम 281, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस तरह से देखिए बेटा, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सोडियम का पहला, दूसरा, तीसरे का अपना एक सर्टेन एनर्जी होगा। ये वाली एनर्जी लेवल खाली है, लेकिन एनर्जी तो होगी, इनकी एनर्जी तो डिफाइंड होगी, एनर्जी लेवल खाली, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, ये वैलेंस ऑर्बिट कहलाता है, है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हर सोडियम एटम के साथ यही हाल होगा, सब इनफाइनाइट सेपरेशन पे, एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो सभी सोडियम एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एनर्जी सेम रहेगा, सबका ऑर्बिट का एनर्जी बिल्कुल जैसे इसका वैसे इसका वैसे इसका। जब ये लोग पास आते हैं बेटा, जब ये लोग पास आते हैं, इतनी दूरी पर आते हैं, इतने सेपरेशन पर आते हैं, सब पास आते हैं, पास आते हैं, तो क्या होता है, ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अगर पास में मैं सोडियम एटम कुछ दूरी पर रख दूँ, तो क्या होता है, इसके न्यूक्लियस का जो चार्ज है इस पर असर दिखाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल जी हमने देखा था वो यहाँ पर न्यूक्लियस पे चार्ज, यहाँ जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है उन सभी की वजह से टोटल पोटेंशियल जी निकाला, काइनेटिक एनर्जी निकाला। लेकिन पास में एटम रखने से क्या होता है, इसका न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, वो इस पर अफेक्ट डालते हैं, यानी हम इंटरेक्शन बोलते हैं कि ये इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं। असर डालने से क्या होता है कि जो इनकी एनर्जी लेवल होती है वो चेंज हो जाती है। क्या होती है बेटा, चेंज हो जाती है, एनर्जी लेवल्स बदल जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब यहाँ पर ये करीब आते हैं, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ऐसे रखते हैं, तो ड्यू टू द इंटरेक्शन द एनर्जी लेवल्स चेंज है, इसकी एनर्जी जो पहले इन्फाइनाइट पे थी आइसोलेशन केस में, वो अब अलग हो जाएगा। क्यों भाई, इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए अलग अलग हो जाता है। बोलो क्लियर, समझ में आ रही बात, अलग अलग हो जाता है। तो समझिएगा ध्यान से, यहां पर बहुत आराम से जो मैं आगे बताने जा रहा हूं बेटा, तो अगर मान लीजिए मैंने बोला ये क्रिस्टल है बेटा, सुनो थ्योरी है, समझो ध्यान से, ये क्रिस्टल है बेटा, इसमें एटम्स का अरेंजमेंट होता है, ये एटम है, अब इसके इधर ये 3 एटम है, उधर भी एटम है, बहुत सारे एटम होते हैं, इस एटम पर असर डालेंगे, इस एटम की एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसका भी असर पड़ेगा, सबका असर पड़ेगा, ये एटम है, इसका इधर वाले सबका असर पड़ेगा, सबका असर पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, इस एटम का इनर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता उसका एनर्जी, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत करीब होते हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, जो कि न्यूक्लियस से बहुत दूर है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो क्या होता है, न्यूक्लियस से दूरी होने की वजह से, इसका इन सभी की वजह से जो फोर्सेज लगते हैं उसकी वजह से इसमें बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। दैट चेंज विल बी कंसिडरेबल, इनर ऑर्बिट्स में जो एनर्जी का चेंज होता है वो कंसिडरेबल नहीं होता है, नेग्लिजिबल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, लेकिन ये न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस से दूर है और इनसे थोड़ा करीब है, क्योंकि जब ये ऐसे समझ के चलो तो इनके करीब तो हो ही गया ना, तो क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर असर ज़्यादा पड़ता है, इनर ऑर्बिट्स पर असर कम पड़ता है। बोलो क्लियर, तो इस वजह से क्या होता है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, मान लो इसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस फॉर एग्जाम्पल आइसोलेशन केस में जब इन्फाइनाइट पर था, अब इसकी वजह से इसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा, है ना, और सबका एक जैसा नहीं होगा। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अगर इसका 10 से 11 हुआ तो हो सकता है इसका 11.2 हो जाए। क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है कि आसपास जो सराउंडिंग एटम है उनकी पोजीशंस क्या है, उनकी पोजीशंस क्या है। अरे बकवास बंद कर अपना, ये एटम के चारों ओर कैसे एटम्स के अरेंजमेंट है, इस एटम के चारों ओर एटम के अरेंजमेंट कैसे हैं, सब एक जैसा थोड़ी ना होगा। मेरी बात समझिए, अब मैं बोलूं कि इसके लिए प्रथम साल्या के लिए जो अरेंजमेंट है आप लोगों का, इसके लिए अरेंजमेंट अलग है, प्रथम साल्या के बाईं ओर दो ही लोग हैं, इधर बहुत सारे लोग हैं, इसके लिए बाईं ओर कुछ और, इसके लिए बाईं ओर कुछ और। हाँ बिल्कुल सेम अरेंजमेंट होता है, मैंने कब मना किया, मैंने मना कब किया। अच्छा सुनिए ध्यान से, मैं एक ऐसा क्रिस्टल बनाता हूँ, जरा देखिएगा, तो एक जाल बनाता हूँ, बस एक जाल बनाता हूँ, ऐसे ही जाल बनाता हूँ, सिंपल बताना बेटा, सिंपल बताना, मुंडी पर करिए,
प्लीज। अच्छा इस पॉइंट को लीजिए, ये ए है ठीक है, और यहाँ कॉर्नर पे ये सब जो एटम्स रखे हुए हैं, एटम्स रखे हुए हैं ठीक है। अब मुझे बताइए एक जैसा है, एक जैसा है ना, देखने में लगना चाहिए कि सभी आउटर मोस्ट ऑर्बिट की एनर्जी एक जैसी होनी चाहिए, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कुछ की सेम जरूर होगी लेकिन सब की सेम नहीं होगी। क्यों? देखिए इसके लिए सब एक तरफ है ठीक है, इसके लिए इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंगली फोर्स लगता है ना, कूलम्स लॉ के अनुसार जो फोर्स लगता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलग अलग होगी ना, और अलग अलग होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग हो जाती है। क्या होता है इस एटम के लिए सभी एटम का अरेंजमेंट, ऐसा मत समझना कि इस एटम पर केवल यही वाले एटम प्रभाव डालेंगे, नहीं, एकदम क्रिस्टल का सबसे आखिरी एटम जो सबसे दूर है वो भी प्रभाव डालेगा क्योंकि उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, उसमें भी नेगेटिव चार्ज है, अलग अलग पोजिशन पर है वो भी प्रभाव डालेंगे इस पर। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए बेटा इस एटम के लिए अरेंजमेंट, अब मैं बोलो इस एटम के लिए अरेंजमेंट अलग है भाई, इस एटम के लिए अरेंजमेंट अलग है। हाँ बोलिए। सारे यूनिफॉर्मिटी नहीं ना आएगी, यूनिफॉर्मिटी आपको लगती है लेकिन यूनिफॉर्मिटी क्यों होगी? अच्छा इतने सारे लोग बैठे हुए हैं एक बेंच पे, चार चार लोग एकदम रेगुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन एक आदमी के लिए जो दिखाई दे रहा पिक्चर दूसरा आदमी अपनी आंखों से देखेगा तो वो पिक्चर नहीं दिखाई देगी। नहीं 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 आप समझे नहीं, मेरी बात समझिए। अच्छा मैं कहूँ ये नमन ऐसे उठा और एक फोटो क्लिक करा अपने कैमरे से, उसको जो दिखाई दिया अरेंजमेंट, अब आप अपनी जगह से उठोगे आप फोटो क्लिक करोगे आपको सेम दिखाई देगा? कम लोग हैं तो। अरे मैं बोलूँ करोड़ों भी हो सेम दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। हाँ अरेंजमेंट सेम है, एक मीटर की दूरी यहाँ भी, एक मीटर की दूरी वहाँ भी, एक मीटर की दूरी है, सब एक मीटर है, एक जैसा रहेगा, लेकिन जब आप फोटो क्लिक करेंगे तो मैं एटम की पोजीशन बोल रहा हूँ। मेरी बात नहीं समझे आप लोग, मेरी बात नहीं समझे। क्रिस्टल में ऐसा तो नहीं ना कि अनंत तक रहता है अरेंजमेंट, ऐसा होता है कि अनंत तक रहता है अरेंजमेंट? अनंत तक तो नहीं रहता है, इधर अरबों एटम रहेंगे तो इधर 1,00,000 एटम रहेंगे, सबके लिए अरेंजमेंट अलग अलग है, हल्का हल्का चेंज आएगा, किसी का आएगा 11.2, किसी का आएगा 11.21, किसी का 11.3, क्योंकि सब अलग अलग पोजीशन पर है तो फोर्स भी अलग अलग डायरेक्शन में लगेगा, जिस वजह से पोटेंशियल एनर्जी हल्का हल्का डिफरेंट करता जाएगा। थोड़ा फील करो। तो जैसे नमन फोटो क्लिक कर रहा था, हाँ सब बराबर दूरी पर है, एक एक मीटर सब बढ़िया, लेकिन वहाँ पर वो उसकी जो पोजीशन है यहाँ से इसके लिए वो पोजीशन अलग हो गई ना, तो कूलम्ब फोर्स के अनुसार जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड अलग आ जाएगा, अपने आप पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि एक जैसा है बट ऐसा होता नहीं है, वो अरेंजमेंट एक जैसा है, इंटरेक्शन में जो फोर्स लग रहा वो अलग अलग रहेगा, ये मतलब है। तो यहाँ पर बेसिकली ध्यान से समझना। तो चलो बेटा दो पॉइंट मैंने आपको एनर्जी बैंड थ्योरी में क्लियर करा। पहले बताओ जब हम कभी सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं, तो बताइए एटम्स में जो एनर्जी लेवल होगा जो इन्फिनिटी पर था क्या वही यहाँ पर रहेगा? नो। रीजन क्या देंगे? ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ द अदर जो एटम्स है उनका इंटरेक्शन होता है इसके साथ। क्लियर? क्या इनर मोस्ट ऑर्बिट और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में किसमें सबसे ज्यादा चेंजेस दिखते हैं? वैलेंस ऑर्बिट्स है ना, जो इनर वाले उसमें बहुत ज्यादा चेंज क्यों नहीं होते हैं? वो न्यूक्लियस के पास है तो न्यूक्लियस का असर ज्यादा हो जाता है, इसलिए जो भी थोड़ा बहुत चेंज है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। क्लियर? अब क्या करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब ये क्रिस्टल में आते हैं एटम तो हमने देखा आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब जैसे सुनना ध्यान से, मान लो कि ये एक सॉलिड क्रिस्टल है सोडियम का। किसका है बेटा? सोडियम। ध्यान देना। अच्छा सोडियम का क्रिस्टल है ये, मान लो सोडियम के 100 एटम्स हैं। कितने एटम है? 100 एटम्स हैं। हर एटम का जो वैलेंस ऑर्बिट होगा, वैलेंस सेल, क्या हर एटम का वैलेंस सेल सेम एनर्जी होगी? नहीं। ड्यू टू इंटरेक्शन किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज्यादा, किसी का थोड़ा कम, यही ना होगा? तो क्या होता है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एटम का एक वैलेंस ऑर्बिट,
एक एटम का एक वैलेंस ऑर्बिट, थर्ड वाला वैलेंस ऑर्बिट होगा ना, एक एटम का एक वैलेंस ऑर्बिट, तो 100 एटम का 100 वैलेंस ऑर्बिट है ना। अब वो 100 की एनर्जी को जब देखा गया तो पता चला इसका थोड़ा ज्यादा, इसका थोड़ा कम, इसका थोड़ा हल्का 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 डिफरेंस आ रहा था, बहुत हल्का हल्का, बहुत हल्का। तो हमें दो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स मिली, ध्यान देना बेटा, दो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स मिली, सुनना ध्यान से। एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड और एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। पहले मेरी बात सुनेगा ध्यान से, एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड और एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। रुकना ध्यान से, ये ग्रुप क्या है? जैसे मान लीजिए 100 एटम है, उसमें किसी एक पहले एटम उसको पकड़े, मैंने कहा अरे इसकी एनर्जी लेवल इतनी है, तो उस एनर्जी लेवल को मैं ऐसे खींचते हैं ना, जैसे देखिए एनर्जी लेवल ऐसे खींचते थे ना, याद करिए ऐसे करते थे, हाइड्रोजन एटम में के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे बनाते थे, सबसे लोएस्ट एनर्जी को यहाँ दिखाते थे और सबसे ऊपर वाली एनर्जी को यहाँ दिखाते थे, वही दिखा रहे हैं यहाँ पर, है ना, इस तरफ एनर्जी चल रहा है ना। तो देखिए सबसे लोअर ऑर्बिट, जो सबसे सबसे बैलेंस ऑर्बिट जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम है, उसको नीचे, फिर मैंने दूसरा एटम को पकड़ा, मैंने मान लीजिए ये आया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक एग्जांपल पकड़ लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर मैंने दूसरे एटम को देखा उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हमने कहा भाई तुम्हारी एनर्जी थोड़ी सी ऊपर है, तो जो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी को हमने सजाया तो थोड़ी सी ऊपर है, बहुत कम डिफरेंस है, तो उसे मैंने यहाँ बनाया, फिर तीसरे वाले को बनाया, तीसरे वाले को बनाया, ऐसे करके ऐसे करके मैंने ऐसे करके ये बनाया, ये देखिए। अच्छा आपको फील हो रहा है कि इसमें एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है? बहुत कम कम रहता है, हल्का हल्का अंतर होता है, क्योंकि वो पोजीशंस अलग अलग होने से हल्का हल्का फर्क पड़ने लगता है। और तो ये देखिए, तो ग्रुप बोलते हैं, बैंड का मतलब होता है बेटा ग्रुप, बैंड का मतलब क्या होता है ग्रुप, तो ये ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स है, इसलिए इसको ऐसे करके ये आप समझिए, बहुत सारी एनर्जी लेवल्स होती हैं, है ना, ऐसे करके। अब सुनिए बेटा कितने एटम है, 100 एटम्स, तो हम बोलेंगे सर इसमें 100 एनर्जी लेवल्स बनाइए, कितने बनाइए 100 एनर्जी लेवल्स। अब एक बात सोचिए, क्या सोडियम में थर्ड ऑर्बिट है, तो फोर्थ भी तो है, फिफ्थ भी तो है, सिक्स भी तो है ना भाई, हाँ बोलो, बिल्कुल होगी, वो एनर्जी सेम ऑलमोस्ट होती है, वो एनर्जी सेम ऑलमोस्ट होती, इसीलिए कंटिन्यूअस मिलता है, क्या होता है। अच्छा अब एक बात बताओ, सुनो बेटा सुनो, मैं बोलूं ये इनके बीच में एनर्जी का अंतर नेगलिजिबल है, लगभग जीरो जैसा, या 0.00002 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने का अंतर होता है, इसीलिए तो ये गैप हम लोग कंसिडर ही नहीं करते, एकदम कंटिन्यूअस बनाते हैं, एकदम कंटिन्यूअस, कोई अंतर नहीं है इसमें, ऐसा समझ के चलो बस, हल्का सा ऊपर, बहुत करीब चलता मामला, बोलो क्लियर। यस सर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अनदर एटम जो इंटरैक्ट कर रहे हैं इस एटम के साथ, उसकी वजह से एनर्जी लेवल चेंज हो गई, और सबका एक जैसा चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं चेंज हो रहा है? और किसी का चेंज हो रहा है तो हल्का सा भी अंतर पड़ रहा, हल्का सा अंतर, क्योंकि पोजीशन तो चेंज हो रही है थोड़ी सी, क्रिस्टल में पोजीशन बदल रही है, तो इधर की तरफ एटम अलग, इधर की तरफ एटम अलग, बोलो क्लियर है। अब यहां पर सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, अब सोडियम में वैलेंस जो ऑर्बिट होती है 100 होती है, वो हमने बना दिया, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। और देखिए सबकी एनर्जी अलग अलग है, थोड़ी थोड़ी अलग हो गई, इसलिए डिफरेंस हम नेग्लिजिबल मानते हैं, कंटिन्यूअसली बढ़ गया यहां से यहां तक। अब बताइए क्या थर्ड ऑर्बिट के बाद क्या सोडियम में फोर्थ ऑर्बिट नहीं होता है क्या? फिफ्थ ऑर्बिट होता है ना, तो जब फिफ्थ ऑर्बिट होता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा हायर ऑर्बिट्स। वैलेंस ऑर्बिट के बाद जो थर्ड के बाद जो 4, 5, 6 हायर ऑर्बिट्स है, तो जानते हो बेटा उनमें जो थोड़ा और हाई कर दें 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो एनर्जी बढ़ती जाती है। Yes, sir. और वो न्यूक्लियस से और दूर हो रहे हैं, न्यूक्लियस से बहुत दूर हो रहे हैं, जब वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं तो उन पे इंट्रैक्शन का असर ज़्यादा पड़ता है, न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गए उन पे ज़्यादा असर पड़ता है, ज़्यादा असर पड़ता है तो उनकी एनर्जी ज़्यादा चेंज होती है। तो अब यहाँ पर एक डिफाइन किया गया कंडक्शन बैंड, क्या डिफाइन किया गया बेटा, यानी हायर ऑर्बिट्स की जो एनर्जी जो होती है उनका आपस में दूसरे एटम ने इंटरेक्ट करा तो उसकी एनर्जी तो पहले से ही ज़्यादा है, अरे भाई ज़्यादा है, इंटरेक्शन से उनकी एनर्जी भी चेंज होगी, जैसे इसकी चेंज हो वैसे उसकी भी चेंज होगी, वो खाली रहती है, वो क्या होती है बेटा, खाली रहती है भाई, ध्यान दीजिएगा, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो खाली रहती है, बिल्कुल ध्यान से, और सारे कंडक्शन बैंड मैंने यहाँ बनाया है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर बीच में गैप है, क्या आपने पढ़ा है ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड,
इसको बोलते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। तो हम बोलते हैं क्रिस्टल में एटम्स को इतना करीब ला के रखोगे तो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और इंटरैक्ट करने से उनकी एनर्जी लेवल बदल जाती है, और एनर्जी लेवल बदल जाती है तो पूरे क्रिस्टल का हमें एनर्जी बैंड खींचा गया है, जिसमें ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। आराम से मेरी बात सुनते रहना, जितना मैं बोलूँगा उतना ही समझ में आएगा, कम बोलने दोगे तो कम ही समझ में आएगा, बहुत सारे कन्फ्यूज़न रह जाएंगे। हो सकता है मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे आपके सवालों का जवाब भी दे जाऊँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे 100 एटम है तो 100 वैलेंस बैंड, वैलेंस लेवल, वैलेंस ऑर्बिट, उनको मैंने एक साथ एक ग्रुप में रखा, बाकी हायर ऑर्बिट्स को एक ग्रुप में रख दिया, क्योंकि एनर्जी जो है वहाँ भी चेंजेज आते हैं, उनको हम कंडक्शन बैंड बोलते इकट्ठा। क्या बोलते बेटा? कंडक्शन बैंड। अच्छा कोई बोलेगा सर तीसरे ऑर्बिट में चेंज हुआ, चलो मान के चलो, सर चौथे ऑर्बिट में तो चेंज होगा, अब चौथा ऑर्बिट चेंज होगा, पांचवा ऑर्बिट भी चेंज होगा, छठवां ऑर्बिट भी चेंज होगा। अब मैं बोलूँ 100 एटम है, पहला जो सोडियम एटम है उसका के सेल कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक सर, एल सेल चलो मान के चलो कोई चेंज नहीं हुआ, आपने बोला जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें चेंज हुआ, उसको आपने बना लिया, वेरी गुड, है ना, 1 2 3। अब आप बोलेंगे सर फोर्थ ऑर्बिट वाला भी बनाओ, फोर्थ ऑर्बिट में वो तो और दूर हो गया, हम बोले हाँ बेटा वो चेंज हो गया, है ना, वो चेंज हुआ। फोर्थ के बाद फिफ्थ में भी चेंज होगा, सिक्स्थ में भी चेंज होगा, ऐसे करके इन्फिनिटी तक होती है ऑर्बिट, एक एटम की ऑर्बिट इन्फिनिटी तक रहती है, सब में चेंज हुआ। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम वैलेंस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं और हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट के अंदर चौथे ऑर्बिट की बात नहीं कर रहे हैं, पांचवे ऑर्बिट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं बोलूं एक एटम में इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, एटम से फ्री हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन कूद करके कहां पहुंच गया, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी में पहुंच गया ना इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलते हैं फ्री हो गया, कंडक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अब कंडक्शन की तरह काम करेगा। बिल्कुल आराम से सुनिएगा, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा, मैं बोलता हूं एक कंडक्टर है, जैसे आयरन का ये क्रिस्टल है, क्या आप आयरन में देखते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, मिलते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एटम के बाउंडिंग से निकल जाता बाहर, एटम के बाउंडिंग से निकल जाता बाहर, और उसके बाद हम कहते हैं उस एटम के इन्फिनाइट वाले ऑर्बिट तक पहुंच जाता है, इन्फिनाइट वाला ऑर्बिट पे पहुंच जाता है वो इलेक्ट्रॉन, इसे हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो जिगजैग पाथ पे घूमता रहता है, क्योंकि हाईली एनर्जेटिक है और घूमता रहता है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, तो ये इन्फिनाइट ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच जाता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एट रूम टेम्परेचर उसको मिल जाता है एनर्जी, बोलो यहाँ तक पहले क्लियर है। यहाँ पर बेटा सोडियम में भी फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, हम बोलते हैं प्लास्टिक का कोई क्रिस्टल है उसमें क्यों नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, एनर्जी नहीं मिल पाती है, टेम्परेचर की वजह से एनर्जी नहीं मिल पाती है। एक सेकेंड और रुकिएगा, मैं बोलता जाऊँगा, जैसे जैसे बोलता जाऊँगा आपके सवालों का जवाब मिलता जाएगा शायद। देखिए देखिए ध्यान से सुनिए, प्लीज बेटा सुनिए, प्लीज सुनिए, जैसे इसको इमेजिनेशन ऐसे करिए, बोला नहीं है, बोला नहीं, आराम से बोलने देंगे तो बहुत सारी बातें सिखा देंगे। जैसे मान लीजिए आप जीरो केल्विन पे इमेजिन करिए कि क्या होता होगा जब कोई सबस्टेंस को जीरो केल्विन पर आप पहुंचा देते हैं, जीरो केल्विन पर क्या होता होगा, जीरो केल्विन पर यह होता बेटा कि जैसे आप बोलते हैं कि आप सोडियम लेते हैं, तो सोडियम ये जो है सोडियम Na और ये सोडियम Na, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, तो क्या होता है इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो कहीं नहीं जाता, वहीं रह जाता है, फ्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रीज, जीरो केल्विन पर सारे मोशन स्टॉप कर जाते हैं, सीज कर जाते हैं, इसलिए जीरो केल्विन पर हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सबस्टेंस इज जीरो, हर चीज रुक जाती है जीरो केल्विन पर। अब क्या होता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं 1 केल्विन यानी कि -273 से 200, फिर 100, -100, फिर 0, और जैसे आप बढ़ाते बढ़ाते रूम टेम्परेचर पर आते 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज 300 केल्विन पर जब आप आते हैं तो क्या होता है थर्मल एनर्जी मिलती है, टेम्परेचर की वजह से थर्मल एनर्जी मिलती है, और ये इलेक्ट्रॉन जब थर्मल एनर्जी मिलती है तो वो थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फाइव, फाइव से सिक्स, सिक्स से सेवन, और अगर एनर्जी इतनी ज़्यादा मिल जाए कि वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाए तो ये कूद के इन्फिनिटी पे चली जाती है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का हुआ इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है तो जा ही नहीं पाते क्योंकि उसको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए और रूम टेम्परेचर की वजह से मिल ही नहीं पाती एनर्जी, मेरी बात समझ में आ रही है।
अब यहां पर सुनिएगा ध्यान से। तो जैसे आप बोलते हैं आयरन में, बोलते हैं सर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रूम टेम्परेचर की वजह से होते हैं। अगर मैं आयरन को जीरो केल्विन पे कर दूं, आयरन भी एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, आप बैटरी जोड़ेंगे करंट ही नहीं फ्लो करेगा। तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। बोलो क्लियर यहां तक? थोड़ा धीरे 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 नॉलेज बढ़ेगा और बहुत सारी चीजों का जवाब आपको मिलता जाएगा। तो बताइए जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री होकर के, और जानते हो 300 केल्विन पर इतना ही एनर्जी नहीं मिलता कि वो इन्फिनिटी पे जा सके, इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है कि वो इन्फिनिटी वाले एटम के इफेक्ट से दूर हो जाता है, और दूर तो होता ही है, साथ में एक अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी भी रहती है, यानी कि क्रिस्टल के अंदर तूफान मचा के रखता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल रैंडम मोशन, बहुत तेज तेज करता है। बोलो यहां तक फील हो रहा है? वही प्लास्टिक में या इंसुलेटिंग मटेरियल में हम बोलते हैं इंसुलेटर है सर, करंट नहीं फ्लो होता, क्यों? क्योंकि उसमें इन्फिनिटी तक जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए रूम टेम्परेचर की ऐसे मिल ही नहीं पाती है, इसलिए वो इन्फाइनाइट तक जा ही नहीं पाता है, वो चौथे पांचवें छठे ऑर्बिट तक जा पाता है बेचारा, उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं पाता है, इसलिए हम बोलते हैं नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बोलो क्लियर? बात समझ में आ रही है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर हुआ? अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से देखना, बहुत आराम से देखना। अब मैं बोलूं कि यहां पर ये सेमीकंडक्टर मैं बोल रहा हूं, तो सेमीकंडक्टर हो चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, जैसे कंडक्टर में भी वैलेंस बैंड मिलता है, कंडक्शन बैंड मिलता है, सुनिएगा ध्यान से, वैलेंस बैंड यानी कि जो थर्ड ऑर्बिट वाला है 100 एटम है सोडियम के, तो 100 एटम का वैलेंस ऑर्बिट 100 ऑर्बिट होगा, 100 ऑर्बिट इंटरेक्शन के से इसकी एनर्जी अलग अलग हो जाती है, उसको मैंने वैलेंस बैंड बना दिया। बैंड मतलब था ग्रुप, इसमें सारे एनर्जी लेवल बना दिया, मैंने देखा कि एनर्जी लेवल हल्के सबकी बदल गई, मैंने देखा तो ऐसे खींच दिया बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने एनर्जी लेवल बना दिया। फिर मैंने देखा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड का मतलब होता है कि ये वाला ऑर्बिट हायर ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो हम उसे फ्री मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे? फ्री, यानी बीच वाली ऑर्बिट मैंने नहीं दिखाया, बीच वाली ऑर्बिट मैंने नहीं दिखाया, यानी हम सीधा कंडक्शन बैंड का मतलब क्या बोलेंगे बेटा? हायर ऑर्बिट जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हम उसे क्या मान के चलेंगे? फ्री। बोलो क्लियर? अब समझना ध्यान से, अगर मैं जीरो केल्विन पे बात करूं, जीरो केल्विन, तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे? सारे इलेक्ट्रॉन एटम में बाउंडेड होंगे कि भाई बाहर बहुत ठंड है, अंदर ही रहो, ठीक है। 300 केल्विन पर आएंगे तो कंडक्टर अगर होगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, यानी यहाँ इन्फाइनाइट पर चले जाएंगे, है ना, तो बहुत सारे फ्री हो जाएंगे। जैसे ही कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो हम बोलेंगे फ्री हो गए, क्या हो गए? फ्री हो गए। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, जो हायर ऑर्बिट जिसे हम कंडक्शन बैंड बोल रहे हैं उसमें भी एनर्जी अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि अगर सीख गए तो सेमीकंडक्टर आके मजा आ जाएगा। अब सबकी एनर्जी अलग अलग गया, इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो हम बोलेंगे अरे यार थोड़ा वो कम फ्री है, जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा हम बोले बहुत फ्री है, गजब फ्री है, जो यहां पहुंचा फ्री है थोड़ी ज्यादा से कम है। बोलो क्लियर है? तो ये कंडक्शन बैंड है, ये कौन से ग्रुप है, कौन सा एनर्जी लेवल है बेटा? हायर ऑर्बिट्स, हायर ऑर्बिट जिसमें जाने के बाद हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्री है। दो ही बातें हम पकड़ के चलेंगे, या तो बाउंडेड होगा या तो फ्री होगा, या तो बाउंडेड होगा या फ्री होगा, दो ही स्टेट मिलेंगे हमें, या तो बाउंडेड होगा या फ्री होगा, ऐसा नहीं होगा कि एटम थोड़ा सा छूट देगा, जा फ्री हो गया फिर खींच लिया, ऐसा नहीं होगा, बीच का कोई ऑर्बिट वाला हिसाब किताब नहीं बनेगा, या तो बाउंडेड या तो फ्री, या तो बाउंडेड या तो फ्री। बोलो क्लियर? वो ऑलवेज थर्ड ऑर्बिट में रहेगा और एटम शेयर करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तू घूम रहा है अब यहां भी घूम जा, तू घूम रहा है तू यहां भी घूम जा, ऐसे ही घूमता रहता है ना, यानी बाउंडेड, रिमेन बाउंडेड, वैलेंस बॉन्ड में है भाई, वैलेंस, इसको बोलते हैं कि वैलेंस ऑर्बिट वाला एनर्जी लेवल चल रहा है उसका। अगर इसको एनर्जी बाहर से थर्मल एनर्जी मिल गई, ये ऐसे जाते 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 फ्री हो जाएगा, भाई मैं चला हो गया, मेरा एनर्जी बहुत मिल गई, मैं चला निकल लिया, और जैसे निकल लिया तो मैं समझूंगा इन्फिनिटी पहुंच गया, यानी कंडक्शन बैंड में आ गया, अब वो फ्री है, पूरे क्रिस्टल में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। फील हुआ थोड़ा सा? इससे आपके बहुत सारे सवालों का जवाब भी मिल रहा होगा जो आपके दिमाग में आ रहा था, सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। अब सुनिए ध्यान से, अब मैं सीधा सीधा पढ़ा रहा हूं, अब आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। तो बताओ बेटा, क्रिस्टल में ओवरलैपिंग की वजह से कितने तरह के बैंड बनते हैं? दो तरह के, कौन कौन से? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इसको पूरा बोलते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड।
बोलो क्लियर। बैंड का मतलब ग्रुप, ठीक है। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, लिखिएगा इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। रुक जाओ, पहले इसको मत बनाओ, पहले फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ बोलो सर, जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को जब एनर्जी मिल जाएगी तो वही कंडक्शन बैंड में जाएंगे। हाँ ए शांत, ए शांत, हाँ बोलो। इन्फिनिटी में तो यहाँ पे फिर भी उन्होंने फ्री बोल देते। हाँ इन्फिनिटी पर नहीं जा पाते, इन्फिनिटी से ठीक एक ऑर्बिट पहले होंगे, वो से भी इन्फिनिटी मानेंगे, ठीक है। वो न्यूक्लियस के इफेक्ट से बहुत दूर निकल गए, पांचवें छठवें को नहीं मानते इन्फिनिटी। हाँ लिखिएगा बेटा, पहला पॉइंट हम बताते हैं वो जो बीच का गैप होता है ना वो हम बता रहे हैं। लिखिएगा, पहले मेरी बात सुनिए ना, पहले लिखिए, लिखिएगा इन अ क्रिस्टल ड्यू टू ओवरलैपिंग इन अ क्रिस्टल ड्यू टू ओवरलैपिंग द एनर्जी लेवल्स ऑफ ईच एटम चेंजेज, द एनर्जी लेवल ऑफ ईच एटम्स चेंजेज। बोलो क्लियर। सेकेंड पॉइंट, एन एनर्जी लेवल चेंज होता है, दूसरी बात लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, आराम से बेटा आराम से, प्लीज़ समझाने दो, बहुत आसान है। दूसरी बात लिखिए, द चेंजेज इज नेग्लिजिबल फॉर द इनर ऑर्बिट्स whereas significant, यानी कि आप consider करेंगे, whereas significant for the outermost orbits। बोलो क्लियर। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, वी गेट टू टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स one is valence band and another above it is called conduction band। ठीक, उसके नीचे डायग्राम बनाओ, उसके नीचे डायग्राम बनाओ बेटा, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। ये लाइन खींच सकते हो तो खींचो, नहीं तो ऐसे बना लो, मैं बताता हूँ ऐसे बना लो। ये बैंड है, फील करना है, इसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, वैलेंस बैंड। क्रिस्टल में जितने भी एटम है सबका अपना एक वैलेंस ऑर्बिट होगा, और ये कंडक्शन बैंड। ऐसे बनाना चाहो ऐसे बना लो, या ऐसे बनाना चाहो ऐसे बना लो। शांत बच्चों, शांत। हाँ बोलो, कौन बोला भाई? हाँ इन्फाइनाइट या इन्फाइनाइट से पहले थोड़ा सा, यानी न्यूक्लियस के इफेक्ट से बहुत दूर ना, वो फिर भी बॉन्ड में घूमता ही रहेगा, बॉन्ड बनाएगा, वो घूमता ही रहेगा एटम के चारों ओर, ठीक है। इसलिए दो ही लेते हैं हम लोग, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। शायद हो सकता है कि चौथा पांचवा इसी में शामिल हो, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एक गैप के बाद फिर वो कंडक्शन हो जाता है, फ्री हो जाता है, आप समझ में आ रहा है? चौथा पांचवा छठवां यहीं तक है, उसके बाद फ्री मान लिया जाता है, फ्री को कंडक्शन बैंड कह देते हैं। दैट इज दिस, सुनिए सुनिए प्लीज। ऑर्बिट के बीच में जो गैप वही है, बहुत छोटा। हाँ
उसके वो उसके थोड़ा ऊपर वाला वो उनके बीच में एनर्जी गैप छोटा तो उसको कंटिन्यूअस मानते हैं एक जैसा उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। जब भी उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहुंचता तो उसे फ्री मान लेते हैं जो फ्री हो गया। इसने ये बोला कि अगर मान लो एक एटम पकड़ते हैं कि तो एक एटम का जो ऑर्बिट होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड भैया शांत रह ले मान लो इन्फिनिटी को 100th ऑर्बिट कहते हैं 100th ऑर्बिट यानी 100वें ऑर्बिट में जाएगा तो हम उसे कंडक्शन मानेंगे फ्री मान लेंगे। तो 100 से नीचे जो 99 है 99th ऑर्बिट उसको क्या मानेंगे तो बोले उसे भी कंडक्शन मानेंगे है ना। अब उसके बाद उसने कहा कि सर इसकी एनर्जी जो होगी पहले वाले एटम की 99th दूसरे वाले एटम की 99th तो थोड़ा अंतर होता है तो हाँ अंतर होता है क्योंकि वो तो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है बिल्कुल अफेक्टिव होगा उसमें चेंजेज आएंगे तो वो 100th ऑर्बिट सबको मिला करके कंडक्शन बैंड में शामिल किया मैंने जिसमें कि एनर्जी लेवल्स जो है और ये मोटा होता है भाई बड़ा होगा बिल्कुल रेंज अच्छा खासा होगा इसका। अरे मेरी बात समझ में आ रही है तो कॉपी पे ऐसे हम बनाते हैं क्या करें भाई सब थोड़ी ना बना सकता हो एक अच्छा खासा रेंज मिलेगा आपको। अब देखो एक बात सुन लो क्या कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं क्या वो सेम स्पीड से चल रहे हैं नहीं जैसे गैस मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से चलते हैं उस स्पीड का रेंज क्या होता है जीरो से लेकर के बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट तक कुछ भी हो सकता है yes, उसी तरह यहां भी तो होता है yes, गैस के पार्टिकल की तरह ही तो फ्री इलेक्ट्रॉन काम करते हैं yes, तो उसमें रेंज हम कितना बड़ा दिखाएंगे बड़ा बना ही नहीं सकते इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। बोलो क्लियर हुआ yes, लिखेगा बेटा उसके आगे बहुत ध्यान से शांत शांत बच्चों ए शांत थप्पड़ मार दूंगा हाँ बोलो बीच का मतलब जैसे थर्ड ऑर्बिट है सोडियम पकड़ते हैं सोडियम का वैलेंस ऑर्बिट कौन होता है थर्ड। अब आप फोर की बात कर रहे हैं या फाइव की बात कर रहे हैं तो बेटा थर्ड और फोर बहुत करीब होता है थर्ड और फोर करीब होता है फाइव तो उसमें क्या होता है। अच्छा एक बात समझो इन एक्चुअल प्रैक्टिस एक्चुअल में क्या होता होगा जैसे मान लो दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयर होता है वैलेंस वाला शेयर होता है ना। अब वैलेंस वाला जो है वो ऐसे करके बॉन्ड बनाता है अब इसको एनर्जी मिल गई थर्मल एनर्जी मिल गई या कहीं से एनर्जी आपने दे दिया तो ये होगा ये थोड़ा एनर्जी रेडियस बढ़ा देगा इसे फ्री नहीं मानेंगे इसे बाउंडेड मानेंगे। अब बाउंडेड जब तक होगा उसे वैलेंस बैंड में मानेंगे कहाँ में मानेंगे हाँ हम बोलेंगे सर इसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई इसकी एनर्जी थोड़ी तो ये बैलेंस बैंड में ऊपर आता रहेगा। हम बोले सर यहाँ है और बढ़ा दो तो और थोड़ा होगा तो हम बोले बैलेंस बैंड में एनर्जी थोड़ी बढ़ गई एकदम यहाँ तक आ गई। यहाँ पर आने के बाद फिर आप बढ़ाओगे ना तो इसकी रेडियस नहीं बढ़ेगी वो वही घूमता रहेगा ऐसा थोड़ी ना घूमते घूमते बड़ा सा फिर बड़ा सा ऐसा नहीं होता कभी आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा ऐसा कभी नहीं होता कि बढ़ते बढ़ते फिर जो बड़ा बड़ा होता जाएगा पता चला दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराने लगा ऐसा नहीं होगा वो घूमेगा और एक सर्टेन गैप होगा उस गैप तक आप एनर्जी बढ़ा रहे कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा यहाँ देखिए बीच में एनर्जी नहीं मिल रही है कोई लेवल है नहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर दे लेवल इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी होगी नहीं लेकिन बढ़ाते 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 जैसी वो एनर्जी आपने यहाँ पर यहाँ वाला दिया एनर्जी वह पटाख से वो फ्री हो जाएगा। बात समझ में आई फ्री होने का मतलब हायर ऑर्बिट्स में गया वो इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट्स में गया। बोलो क्लियर हुआ हाँ। अब थोड़े से सवालों के जवाब मिल गए आपको जितने दिमाग में थोड़े बहुत आ रहे थे वो मैंने आपको दे दिए। देखिएगा बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कितना नंबर पॉइंट होगा बेटा थर्ड पॉइंट देखिए अच्छा फोर्थ अच्छा सुनिए अरे कुछ भी है रख ले थर्ड फोर्थ जो भी लिखना लिख अच्छा सुनिए फोर्थ पॉइंट बेटा मेरी बात सुनिएगा। अब आपको यह याद रखना है कि हर क्रिस्टल में चाहे वो कंडक्टर हो सेमीकंडक्टर हो इंसुलेटर हो उसमें ये एनर्जी बैंड होता है वैलेंस बैंड ऊपर कंडक्शन बैंड। यहाँ पर बेटा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कंडक्शन बैंड का लोअर ऑर्बिट लोअर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड का हायर एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है इसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं बेटा फॉरबिडन एनर्जी फॉरबिडन का मतलब था प्रोविडेंट यानी वो एनर्जी उस बीच की एनर्जी लेवल होती ही नहीं है उस बीच की एनर्जी लेवल होती ही नहीं है तो लिखिएगा द एनर्जी गैप बिटवीन
नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज सेड टू बी फॉरबिडन एनर्जी गैप, इज सेड टू बी फॉरबिडन एनर्जी गैप, इज सेड टू बी फॉरबिडन एनर्जी गैप. ठीक है, सुनिए आराम से, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. फिर सुनिए मेरी बात, ध्यान सुनिए. अब यहां पर बेटा होता क्या है, इधर ध्यान सुनिएगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है. ठीक है, यहां पर बेटा फॉर सिलिकन, सिलिकन के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप अपना किसी विधि से, किसी मैकेनिज्म से सॉल्व किया गया और वो आया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये कोई मैकेनिज्म होगा, कोई तरीका होगा, उससे उन्होंने फाइंड करा कि फॉरबिडन एनर्जी गैप होता 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी कि सुनना मेरी बात, यहां पर एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है. मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक मिला, उसके बाद जब फ्री हुआ तो पता चला 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बीच की एनर्जी स्टैब्लिश ही नहीं हो रही है, मिल ही नहीं रही है. इलेक्ट्रॉन में या तो ये एनर्जी होगी या ये एनर्जी होगी, इसके ऊपर वाली सभी होगी, इधर से बीच का गैप मिल ही नहीं रहा एनर्जी. तो हम इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. क्या बोलते बेटा इसको? और क्या याद रखना है, कहां से आया मेरे से मत पूछना, मेरे को भी नहीं पता कि कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल हुआ. सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होता है एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लिखो, चाहो तो ये चित्र ऊपर जो बनाए थे उसमें ये निकाल दिखा दो, ईजी करके ऊपर जो डायग्राम बनाए थे उसमें गैप दिखा दो. ईजी शांत, बेटा चुप रह ले थोड़ा सा, हो गया? हाँ, अब सुनिए बेटा, बिल्कुल आराम से सुनिए द नेक्स्ट पॉइंट, बिल्कुल ध्यान से, प्लीज प्लीज सुनो. यहां पर बेटा सुनिए, एट जीरो केल्विन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एट जीरो केल्विन, जीरो केल्विन समझ रहे हैं, -273 डिग्री सेल्सियस, एकदम बिल्कुल वहां से सोचना है. एट जीरो केल्विन ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन द वैलेंस बैंड, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द वैलेंस बैंड, फिल्ड इन द वैलेंस बैंड अकॉर्डिंग विद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट जीरो केल्विन, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन द वैलेंस बैंड अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द सेम क्वांटम नंबर्स. देखिए सुनिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. अच्छा सुनो, सुनो मेरी बात, इधर ध्यान दो. जैसे मान लो बेटा अभी जीरो केल्विन है, इमेजिनरी टेम्परेचर है ये, द लोएस्ट टेम्परेचर. सुनिए ध्यान से, जीरो केल्विन है, सोडियम का क्रिस्टल है. अच्छा बताइए, सोडियम का एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1. 100 एटम है तो कितने हो गए? 100 इलेक्ट्रॉन. मान के चलना है कि सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब के सब जीरो केल्विन पर वैलेंस बैंड में भरे हुए हैं. ये सारे मेरे हाथ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 100. एक एटम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 100 एटम के 100 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, वो मेरे हाथ में है. और वो सब कहां भरे होंगे? वैलेंस बैंड में. और किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली भरे हुए हैं? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधार पर सब भरे हुए ऐसे फील करेंगे. और होता भी यही है, जीरो केल्विन पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट में होते हैं, अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर होते हैं बिल्कुल. ये यहां, और कौन सा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली भरा रहता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधार पर. अब सुनिए, जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते 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 रूम टेम्परेचर यानी 300 केल्विन पे आते हैं, तो क्या होता है, जो वैलेंस बैंड में सबसे हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरा होता है उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए मिनिमम फॉरबिडन गैप के बराबर एनर्जी चाहिए. अब क्या होता है बेटा, कंडक्टर में ये गैप बहुत छोटा होता है, इंसुलेटर में गैप बहुत बड़ा होता है, सेमीकंडक्टर में गैप बीच का होता है. सुनिए ध्यान से,
कंडक्टर के अंदर अगर मैं बोलूं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तो बहुत बहुत कम, कुछ में तो जानते हो क्या होता है, बल्कि ओवरलैप कर जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा मान के चला जाता है, एकदम कंटिन्यूअस होता है, कोई मतलब नहीं है। ये किस में होता है बेटा? ओनली कंडक्टर्स में, यानी वहाँ पर फॉरबिडन गैप बहुत कम होता है, एकाध दो ऐसे मिले हैं जिसमें फॉरबिडन गैप लगभग जीरो ही होता है, कंटिन्यूअस बोलते हैं वहाँ पे ऑर्बिट्स को। ये किस में होता है? कंडक्टर्स में। इंसुलेटर में क्या होता है? गैप बड़ा होता है, वहाँ कूद ही नहीं पाता, जंप ही नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, जो फ्यू, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं सिलिकन, तो सिलिकन में फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, कारण कि जीरो केल्विन पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में भरे हुए, है ना। अब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रूम टेम्परेचर पर आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिलती है, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में भागेंगे। ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, फॉरबिडन गैप से ज़्यादा बड़ी एनर्जी मिली, तो ये कूदेगा, जितनी एनर्जी मिली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल में हम सोचेंगे गया, और हम बोलते हैं वो फ्री हो गया। मान लो ये और ऊपर जाता, कंडक्शन बैंड में जितना ऊपर जाएगा वो फ्री होगा और उतना ही ज़्यादा एनर्जी से दौड़ेगा, और ऊपर जाएगा तो भयंकर एनर्जी से दौड़ेगा, भयंकर स्पीड होगी, बिल्कुल यहाँ जाएगा तो फ्री है, बहुत लेस एनर्जी मिलेगी, लेकिन फ्री है, एटम से निकल चुका है, बॉन्ड तोड़ के निकल चुका है, ऐसा मान के चलेंगे। और सुनिए बेटा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो जम कर जाते हैं, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड के अंदर ही हायर ऑर्बिट में वो कूद जाते हैं, मान लो चार कूद गए, तो फोर इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन बैंड में आपको मिलेंगे अलग अलग एनर्जी लेवल पे, यानी चार फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पर चार फ्री इलेक्ट्रॉन के जगह खाली हो जाएंगे, जगह खाली हो जाएंगे, यहाँ पर हटेगा तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, होल, यहाँ रिक्त स्थान, वैकेंसी क्रिएट होगी, जैसे होल बोलते बेटा। अब क्या होता है, अंदर वाले जो बिल्कुल वैलेंस बैंड में अंदर एकदम हैं, उनको तो भी, उनको भी तो टेम्परेचर की वजह से एनर्जी मिलेगी, वो टेम्परेचर की वजह से इस होल को भर देंगे, वो होल को भर देंगे, होल यहाँ पहुँच जाएगा, होल नीचे पहुँच जाएगा। अब बताओ टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहता है? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। और होल किधर जाना चाहेगा? कंडक्शन बैंड में खाली था, मतलब समझो होल भरे हुए थे, फील करना है बस, इसको जो खाली था, यानी होल्स भरे हुए, वैकेंसीज है खाली। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो चार इलेक्ट्रॉन गया तो चार होल इधर आया, और टेम्परेचर की वजह से वो होल्स और नीचे गया, नीचे गया, वैलेंस बैंड में नीचे चलते चले गए। नहीं आ रहा समझ में? तो होल्स हैविंग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू, एंड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू, ये कंसेप्ट है। लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सिक्स पॉइंट, ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, ऑन रेजिंग द टेम्परेचर अप टू रूम टेम्परेचर, द इलेक्ट्रॉन्स इन द हायर ऑर्बिट ऑफ द वैलेंस बैंड, द इलेक्ट्रॉन्स इन द हायर ऑर्बिट इन द वैलेंस बैंड जंप्स टू कंडक्शन बैंड, द इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट ऑफ द वैलेंस बैंड, यानी जो वैलेंस बैंड के हायर ऑर्बिट में होगा, जंप टू द कंडक्शन बैंड, जंप टू द कंडक्शन बैंड। अच्छा बताओ बेटा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा? और सोचिए यहां पर वैकेंसीज है, तो क्या वैलेंस बैंड में कूदेगा ही? जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो यहां होल क्रिएट होएगा, है ना। लिखिएगा फुल स्टॉप, उसी में लिखिएगा, एज अ रिजल्ट होल्स क्रिएट्स इन द वैलेंस बैंड, एज अ रिजल्ट होल्स क्रिएट, वैकेंसीज को होल्स बोलते बेटा, होल्स क्रिएट इन द वैलेंस बैंड। बोलो क्लियर? अच्छा बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको ऐसे फील कराता हूँ, ध्यान से सुनना तो थोड़ा सा शायद समझ में आए। देखिए ध्यान से, इधर ध्यान दीजिए, इधर जैसे मान लीजिए सिलिकन क्रिस्टल लेते हैं, ये सिलिकन क्रिस्टल एक कोवेलेंट बॉन्ड है, प्लीज, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना दो सिलिकन के बीच में, ये क्रिस्टल बहुत दूर तक है, डोंट वरी, प्लीज
इधर 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 देखो। अब यहाँ पर बेटा ये जो है चार इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में होते हैं और ये चारों तरफ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हम ये ऐसे करके दिखा रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ध्यान देना बेटा, प्लीज़ सीखने को मिलेगा इससे चीज़ें, थोड़े से और सवालों का जवाब आपको मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक। अब क्या होता है, ये पूरा सीन जीरो केल्विन पर है, यानी जीरो केल्विन पर हर इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड में है और अपना आराम से स्थिर है, आराम से। हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाया तो इन्हें अपना घूमना फिरना, एक केल्विन किया तो घूमना फिरना शुरू कर दिया। जीरो केल्विन पे तो हर मोशन सीज हो जाता है, ये पकड़ के चलना बिल्कुल। जीरो केल्विन पे एवरी मोशन सीज स्टॉप्स, ठीक। अब देखो बेटा, जैसे जैसे हम रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, तो इससे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ऐसे बॉन्ड तोड़ के निकल जाता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो बॉन्ड तोड़ के निकल गया। अब ये जब इलेक्ट्रॉन निकला तो ये हम बोलेंगे थ्योरी में अनुसार कैसे बोलेंगे कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ यहां पर, तो यहां पर क्या क्रिएट होगा, होल। ये वैकेंसी क्रिएट होगी, दैट इज कॉल्ड होल। ये वैकेंसी क्रिएट होगी, दैट इज कॉल्ड होल, जिसे हम होल कहेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, मैंने इस क्रिस्टल में माना कि दो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तोड़ा, इसका मतलब वो पहले से ही वैलेंस बैंड में हायर ऑर्बिट में रहे होंगे, वो पहले से ही वैलेंस बैंड में हायर ऑर्बिट में रहे होंगे, उनको एनर्जी टेम्परेचर कैसी इतनी मिल गई कि वो कूद गए। ये वाला नहीं निकल पाया, इसका मतलब ये वैलेंस बैंड में नीचे होगा, अंदर होगा कम वक्त, वो जब तक ऊपर आता है एनर्जी खर्च कर चुका है, इतना बचा हुआ एनर्जी जो एनर्जी गैप से कम रह गया, इसलिए कूद नहीं पाया इतना बड़ा खाई। बोलो क्लियर। अब सोचो दो इलेक्ट्रॉन यहां कूदा तो वैकेंसी जो क्रिएट हुई कितनी हुई, दो, दो ही ना। अब देखो ये होल जो है वो यहां पर, अब इसको बोलेंगे वैलेंस बैंड में बना, कहां बना, ये कहां बना, वैलेंस बैंड में बना। बोलो क्लियर। अब सुनना ध्यान से, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जिगजैग पाथ पे ऐसे चलते रहेंगे, और ये होल जो बेटा ये भी फ्री होते हैं। जैसे देखो मेरी बात सुनना, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है तो कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसी तरह होल जब वैलेंस बैंड में जाता है तो कॉल्ड फ्री होल्स। जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाता है तो बोलते हैं कि फ्री हो गया, उसी तरह होल जब वैलेंस बैंड में तो होल के लिए हायर ऑर्बिट वैलेंस बैंड बन जाता है। उल्टा सोचो, बिल्कुल उल्टा सोचो, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो होल नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहता है होल नीचे आना चाहता है, इसका मतलब होल जो है वैलेंस बैंड में जाएगा तो फ्री होल्स कहलाएंगे। एकदम फील करते रहना। अब सुनो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली ऐसे मूव कर रहा है तो ये होल भी शांत नहीं बैठता, ये भी घूमता रहता है। सुनना ध्यान से, ये होल जो है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से कूद गया तो होल यहां बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से कूदा तो होल यहां आ गया, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यानी होल्स भी मोशन करता रहता है। सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन भी मोशन करता रहता है और होल्स भी मोशन करता रहता है। कभी कभी ऐसा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे खून, हमारे ब्लड में जैसे होता है कि आरबीसी, लेट अस सपोज 1 लाख होना चाहिए, तो आपने सुना होगा पुराने आरबीसी मर जाते हैं, नए आरबीसी पैदा होते हैं, और आरबीसी की जो सेल की संख्या उतनी रहती है। जैसे प्लेटलेट्स है तो बोलते हैं 3.5 लाख होना चाहिए, तो 3.5 लाख में कुछ, 1 सेकंड में 10,000 मरते तो 1 सेकंड में 10,000 पैदा हो जाते हैं। होता क्या बेटा, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी यही होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ में चलते चलते कभी तो इलेक्ट्रॉन होल के काफ़ी नज़दीक पहुँचेगा, जैसे ही नज़दीक पहुँचे तो ग्रैब कर लेता है, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है ना, वो ग्रैब कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन उस समय ग्रैब हो गया। होल और इलेक्ट्रॉन का मिलना इज कॉल्ड डिफ्यूजन, क्या बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जिगजैग पाथ पे चलते चलते कभी होल के करीब से गुजरा तो इलेक्ट्रॉन होल को, होल जो खींच लिया तो दुबक गया बेचारा इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता, सुने ध्यान से, अब तो यहां इलेक्ट्रॉन होल मिला, इलेक्ट्रॉन होल के मिलने को क्या बोलते बेटा, डिफ्यूजन। यानी अगर आपसे मैं बोलू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पे, इसका इलेक्ट्रॉन होल मिल के खत्म, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन होल तो मिल गया तो क्या होता है, अपने आप जैसे इलेक्ट्रॉन होल मिलता है तो कहीं दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल जाएगा और नए इलेक्ट्रॉन होल पैदा हो जाएंगे। अगर मैं बोलूँ इस क्रिस्टल में यूनिट वॉल्यूम में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होल हैं, तो हर वक्त यही रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 होल, पुराने मरेंगे नए पैदा हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन होल पर डिफ्यूज हुआ तो दूसरा इलेक्ट्रॉन होल पर बन जाएगा, ठीक है। हमेशा यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ फ्री होल सेम रहेंगे। बोलो क्लियर। हर वक्त होता रहेगा, करीब आएगा, क्योंकि जिगजैग पाथ पर रहेगा तो अपने आप हो जाएगा,
आप टेंशन मत लो, ये हो जाएगा अपने आप, अपने आप हो जाएगा, मिलेगा, पास आएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। जैसे ही डिफ्यूज हुआ वैसे ही फटाक से एक टूट जाएगा, अपने आप टूट जाएगा, उसको एनर्जी मिलती है वो टूट जाता है, वो टूटेगा। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल दो है और नंबर ऑफ होल इन द क्रिस्टल दो है, ये हमेशा फिक्स रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। बोलो क्लियर। अगला पॉइंट लिखना, अभी मत बना, लिखिएगा इलेक्ट्रॉन। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम बेटा बात नहीं करो, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीबी टू सीबी, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीबी टू सीबी, वेयर एज होल्स हैविंग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम सीबी टू वीबी, सीबी टू वीबी। लिखिएगा, वेयर एज होल्स हैविंग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम सीबी, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीबी टू सीबी, वेयर एज होल्स हैविंग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम सीबी टू वीबी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा बेटा, अगले पॉइंट में पहले ये डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम बनाइए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जल्दी बनाइएगा। शांत भाई, हो गया? अब सुनिए, देखिए यहां पर बेटा, अच्छा बताइए तो इसमें कोई सिलिकॉन के अलावा कोई दूसरा आइटम भी है क्या? नहीं। इसको बोलते हैं प्योर, क्या बोलते हैं इसको? प्योर है ये। अच्छा बताइए, क्या इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ फ्री होल सेम है क्या? तो लिखिएगा इस स्ट्रक्चर के आगे, लिखिएगा इन दिस स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सी बी, कंडक्शन बैंड को सी बी लिख दो, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री होल्स इन वी बी, नंबर ऑफ फ्री होल्स इन वी बी। अच्छा बेटा सुनो ध्यान से, इधर सुनो, अच्छा सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बना नहीं लिया, सुनिए, ए सुन, अच्छा बेटा एक बात मुझे समझाओ, इधर सुनो बिल्कुल आराम से सुनो प्लीज। अच्छा बताओ, क्या होल रेस्ट में होते हैं? यहां पर इलेक्ट्रॉन जिस तरह से रैंडम मोशन करता, होल्स भी रैंडम मोशन करता है। अच्छा एक बात बताओ, ये होल्स मोशन कैसे करता है भाई? तो हम बोलते सर, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो जंप करते हैं, इस वजह से होल्स का मोशन पॉसिबल हो पाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन तो अपना चलता रहता है, होल्स कैसे मोशन करता? बोलते हैं होल्स भी फ्री है, फ्री का मतलब मोशन करने के लिए फ्री है। तो होल्स दरअसल ये वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, होल यहां पहुंचेगा, फिर यहां जंप करेगा, होल यहां पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां पर बेटा अगर कभी जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, अब आपने इसको किसी सेल से कनेक्ट करा, देखो मान लो मैंने सेल से कनेक्ट करा, ऐसे कनेक्ट करा, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है। बेटा बात नहीं करना प्लीज, ये वोल्टेज आपने करंट करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है जल्दी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगता है,
ऐसे, और होल तो भैया कोई चार्ज ही नहीं है, वैकेंसी है, होल तो कोई चार्ज ही नहीं है, वैकेंसी है, खाली जगह है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है उस पर भी तो फोर्स लगेगा, फ्री है तो फोर्स लगेगा, बाउंडेड है तो फोर्स लगेगा। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी बाउंडेड है फ्री है, सब पे पीछे की ओर फोर्स लगता है, लगता है। ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, चलना शुरू कर देता है, ये तो चलना शुरू कर देगा, मैं छोड़ो यार मैं तो चला, इलेक्ट्रिक फोर्स पुल कर रहा है, मैं तो चला, उसमें ड्रिफ्टिंग होने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट मोशन, वो ड्रिफ्ट करने लगता है, जिगजैग पाथ के साथ साथ आगे भी चलेगा, सुनना ध्यान से। और ये होल बेचारा, ये तो खाली है, कुछ है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन पुल महसूस कर रहा है इधर की तरफ, फोर्स महसूस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करता है क्योंकि खाली जगह है, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूदता है, तो ये होल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता बेटा, होल का जो मूवमेंट है वो फील्ड की डायरेक्शन में, देखो फील्ड इधर है, अभी इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो इधर आएगा, तो होल्स को हम कैसा मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरह, एक मिनट, होल्स को पॉजिटिव चार्ज की तरह मानेंगे, लाइक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो ऐसा मान के चलेंगे पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा है, बोलो थोड़ा समझ में आया। दूसरी बात, यहां पर एक टर्म डिफाइन किया गया, मोबिलिटी, क्या डिफाइन किया गया है, मोबिलिटी, सुनिएगा पहले आराम से, मोबिलिटी क्या होता है सुनिए, मोबिलिटी का मतलब होता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मोबिलिटी को हम म्यू से लिखते हैं, और मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड फील्ड, वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड फील्ड, बेटा प्लीज ध्यान से सुन लो, वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड फील्ड, प्लीज, तो देखिए ध्यान से, वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड फील्ड। अच्छा एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल कौन ज्यादा ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन, ये तो बेचारा तब चल पाएगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, कूदेगा, इसे बोलते हैं होल की मोबिलिटी छोटी होती है और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है। देखिए पहले तो मोबिलिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड फील्ड, इसको आप ऐसे याद रखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन अप्लाइड फील्ड, इसको बोलते हैं मोबिलिटी, और इट इज क्लियर, बहुत आराम से सुनना बेटा, क्या ये एकदम से समझ में आ रहा है कि मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होता है मोबिलिटी ऑफ होल से, बोलो क्लियर है, होल के साथ मजबूरी क्या है, ये फ्री पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थोड़ी देखिए निकल लेगा बॉन्ड तोड़ के, नहीं हो सकता ना, वैकेंसी जो होता है वो तो वैलेंस बैंड में ही बन रहा है, तो ये जब तक इलेक्ट्रॉन यहां से कूदे, अब जैसे सुनो सुनो आराम से, सुन भाई, होता क्या बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, वो इलेक्ट्रॉन कूद करके जब तक यहां तक नहीं आया तब तक होल जा ही नहीं सकेगा, तो होल इस इंतजार में रहता है कि कोई तो आए इधर से तो मैं उधर शिफ्ट हूं, इसलिए इसकी मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है, बोलो थोड़ा सा समझ में आया, अरे क्लियर हो रहा है, लिखिएगा बेटा अगली लाइन में, होल्स आर टेकन एज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कभी नहीं, अरे बीच में कहां से आ जाएंगे बीच में, लिखिएगा होल्स आर टेकन एज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, होल्स आर टेकन एज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, अगला पॉइंट करके लिखिए, कितना नंबर पॉइंट है, अब लिखिए अगला पॉइंट 10th, और ये लिखिए इधर वाला लाइन लिखिए पूरा, मोबिलिटी म्यू इक्वल टू, ये पूरी उधर के स्ट्रेस स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनाइए, ये आप सिर्फ इधर वाले लाइन लिखिए यहां तक, बोलो बात समझ में आ रही है बेटा, प्लीज यार, मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही आता है, इसलिए वेलोसिटी एक्वायर्ड बोलते हैं इसको, अच्छा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर, फ्री इलेक्ट्रॉन है ये, उसको सीबी मानते हैं, यस, मतलब उसकी उसको सीबी ना मान के इसकी एनर्जी को सीबी मानेंगे, किसकी जो एनर्जी है वो किसी कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल से मैच कर रही है।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्लीज बेटा बातें नहीं, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड में अलग अलग एनर्जी लेवल है। ये जो ऑर्बिट है इसके बाद वो तो सब इमेजिनरी ऑर्बिट हो गया ना, वो सारे मानते हैं कि होता होगा लेकिन उस ऑर्बिट में चल नहीं रहा है। ऐसा मत समझ लो कि उस ऑर्बिट में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन अब घूम रहा है, मतलब समझेंगे इसका इन्फिनिटी यहीं कहीं खत्म हो गया होगा, ठीक है, अब खत्म हो गया, अब ये फ्री है, तो हम बोलेंगे इसकी एनर्जी किसी ना किसी एक ऑर्बिट से मैच कर रही है, वो कंडक्शन बैंड का ऑर्बिट होगा। लिखिएगा बेटा नेक्स्ट पॉइंट, बेटा बात नहीं है, कितना नंबर पॉइंट है? टेंथ। अच्छा देखिए ध्यान से, इधर इधर चाचा इधर ध्यान दो। अच्छा बेटा यहां पर अगर मैं बनाऊं कंडक्टर, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर के लिए काफी कम होता है। सुनना ध्यान से, सेमी कंडक्टर बनाऊं तो सेमी कंडक्टर में थोड़ा सा, हाँ मॉडरेट, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। आराम से सुनना बेटा, जबकि इंसुलेटर में यही वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप कर ही नहीं पाता है, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो वो जल जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है, वो फिर जलने लगता है। डाइलेक्ट्रिक में देखा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से प्लीज प्लीज, अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताइए, तो ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है फॉरबिडन गैप किस में सबसे ज्यादा और सबसे कम? कंडक्टर में। मेरी बात सुनिए पहले, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, बैलो सुनो। अब यहाँ पर बेटा हम लोगों ने बहुत पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, जिसमें ये पढ़ा था अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है। टेम्परेचर बढ़ाते तो रेजिस्टेंस घटता था? बैल मुंडी तो है, हिला दी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते थे तो रेजिस्टेंस बढ़ता था। एक मिनट रुको, इधर ध्यान दो, बोलो नहीं, आपके बोलने से ना बातें आप उल्टा सीधा बोलते हो। सुनो पहले, इधर सुनो, अगर कोई कंडक्टर है तो हम लोग पढ़ा करते थे कि इसका टेम्परेचर हमने डेल्टा थीटा से बढ़ाया तो हम इसका रेजिस्टेंस पढ़ते थे R बराबर होता है R नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, जिसमें ये बताया गया था बेटा, रुकिए, कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। देखिए टेम्परेचर आप डेल्टा थीटा बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव में है ना, टेम्परेचर 10 से 20, 20 से 30 कर रहे हैं। अल्फा को हम लोग बोलते थे टेम्परेचर कॉफिशियंट, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशियंट एंड डेल्टा थीटा को बोलते थे चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर आर नॉट का मतलब होता था 0°C पे आर नॉट, इनिशियल रेजिस्टेंस पकड़ के चलिए। तो देखिए बेटा जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। देखिए ये कंडक्टर है, क्या बेटा? कंडक्टर। क्या होता है ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पर, मेरी बात सुनिएगा, कुछ कंसेप्ट बनेगा जिससे कि आपको थ्योरेटिकल सवाल बनाने में आसान पड़ेगा, लगेगा कि हाँ हमने सुना है पढ़ा है, ध्यान है, इधर ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि एट रूम टेम्परेचर दैट इज 27°C 300 K पर जो कंडक्शन बैंड, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपस में टकराते भी रहते हैं। देर इज सम रिलैक्सेशन टाइम भी डिफाइन करते थे हम लोग। तो यहाँ पर बेटा ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, अरे सुनना, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इधर से कुछ जो थोड़े बहुत है वो हल्के फुल्के कूदते हैं, क्योंकि बहुत सारे तो पहले ही जा चुके हैं। अब टेम्परेचर आप 300 से 310 केल्विन करते थे, थोड़े बहुत 2-4 10 मान के चलना, लेकिन पहले से जो इतने मौजूद है उनका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, वो टकराना बहुत तेज शुरू कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि करंट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाता है, आपस से बहुत तेज तेज टकराने लगते हैं, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है,
ट्रिप वेलोसिटी जो है घटने लगती है और हम बोलते हैं यार रेजिस्टेंस जो है बढ़ गया। अब सुनना ध्यान से, ये सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर थोड़े से हैं फ्यू इलेक्ट्रॉन, चार पांच। ये जैसे अपना इंडिया है और ये सब जो रसिया है, रूस, रूस को रसिया ही तो कहते हैं। अरे बहन अच्छा सुनिए, ए अब रूस में क्या होता है, इतनी जगह खाली है आदमी नहीं नजर आ रहा है, गांव के गांव में 10-20 आदमी बस, 10-20 घर, वो गांव बोलते हैं उसको लोग वहाँ। रूस एक ऐसा है, अमेरिका एक ऐसा है जिसके लैंड इतने सारे हैं, इतने सारे खाली जगह है और आदमी कम है वहाँ। अब भारत में तो पहाड़ पे भी जाके लोग रह रहे हैं, भीड़ वहाँ इतना आदमी भर गया यार। इंडिया से करीब 2x 3x, ए इंडिया से करीब 2x और 3x यूएस बड़ा है, यूएस इतना बड़ा है कि इंडिया से 2x और 3x बड़ा है, और आबादी है 28 करोड़, 28 करोड़ आबादी है बस, आया 28 करोड़ आबादी तो खाली नॉर्थ इंडिया में, 28 करोड़ तो खाली ट्रेन में है, 28 करोड़ तो ट्रेन में सफर करती है हमारे यार, 12 करोड़ तो खाली दिल्ली में, 12 करोड़ दिल्ली में भरे पड़े हैं, 12 करोड़। ए शांत शांत, यहाँ तो जरा सा टेम्परेचर बढ़ाओ तो आपस में लोग भिड़ जाते हैं। ए शांत, सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन, टहल रहे हैं, हाँ भाई चार पांच लोग हैं बस, खाली खाली मामला है। ए सुन, पागल मत बन सुन, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, आपस में कोलिजन होता है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ क्या होता है उल्टा होता है, यहाँ कोलिजन ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ कोलिजन थोड़े बहुत तो बढ़ते हैं लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बेटा जानते हो सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे ना इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, इसका बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस और इसका बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस। इसीलिए बेटा सुनिए, जो जो इसका टेम्परेचर कॉफिशियंट होता है पॉजिटिव होता है, ये अल्फा पॉजिटिव होती है, अल्फा को क्या बोलते हैं, अल्फा इज व्हाट, रेजिस्टेंस के लिए अल्फा इज पॉजिटिव, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस, और इसका अल्फा नेगेटिव होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अरे भाई शांत, इतना मारूंगा ना खींच के, जहां बैठेगा वहीं उदम करेगा वह है। अच्छा ये बहुत शैतान है ये ना, एक मिनट, ए नाम क्या बेटा तुम्हारा, लक्ष्य, अच्छा देखिए अब चल ध्यान दे दे। अच्छा बेटा इंसुलेटर, इंसुलेटर का अल्फा जीरो से जीरो के करीब होता है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, जीरो के करीब होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हो सकता है एक आध इलेक्ट्रॉन कूद जाए। हम तो करंट तब रजिस्टर करते हैं ना जब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आता है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन पे करंट बनता ही नहीं है, वो करंट नेग्लिजिबल हो जाता है, हम उसे इंसुलेटर कहते हैं। लेकिन हम इसका बोलेंगे रेजिस्टेंस बढ़ाने से थोड़ा सा करंट बढ़ेगा, एनी लाइक लाइक दिस, एनी अल्फा लगभग जीरो के पास होगा, टेंडिंग टू जीरो। लिखो, जीरो से कम होगा। हाँ टाइम हो गया क्या, ठीक ओके थैंक यू।